दोस्तों अगर आप प्लानिंग कर रहे हो टू व्हीलर लेने की और आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा लें, गो फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर या जो ट्रेडिशनल जो पेट्रोल स्कूटर हमें मार्केट में अवेलेबल है, तो आज हम कंपेयर करेंगे। पेट्रोल में हम लेते हैं, मैंने अभी हाल में एक्टिवा 5G लिया, तो मैं उसी को आगे रखता हूँ। एक्टिवा 5G का कंपेरिजन करेंगे ओकिनावा प्रेस के साथ, क्योंकि वो मेरे को बिल्कुल सामने मेरे पड़ोसी के पास है, तो मैंने उसके भी अच्छी तरह से फीचर्स वगैरह, मैं उसका काफी अच्छे से मुझे नॉलेज है, तो इसलिए मैंने दोनों गाड़ियों को चूज किया है। तो ये बिल्कुल वीडियो बहुत बहुत तो बेनिफिट होने वाली है आपके लिए, तो इस पूरा फायदा लेने के लिए, समझने के लिए दोनों को कि कौन सा लें, कौन सा ट्रेंडिंग में है, मेरिट्स डीमेरिट्स की बात करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इनका दोनों का कंपेरिजन। दोस्तों स्वागत है आपका सिंह के फ्रेश एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन इलेक्ट्रिकल स्कूटर वर्सेस पेट्रोल स्कूटर। इसमें हम पेट्रोल स्कूटर में लेते हैं एक्टिवा 5G जो मैंने हाल ही में लिया है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल स्कूटर में हम रखते हैं आपका जो ओकिनावा का प्रेज है प्रेज। तो इसके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्राइस की। प्राइस दोनों का सेम है। इसका रीजन ये है कि जो प्रेज अभी मार्केट में अवेलेबल है वो लेड एसिड बेस्ड है। लिथियम भी बुकिंग शुरू हो चुकी है, कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है, बट उसका प्राइस तकरीबन 10,000 ज्यादा रहेगा, 10 से 12,000 ज्यादा रहेगा। तो अगर हम अभी हम लेड एसिड की बात करें तो दोनों का रेट कंपेरिजन ठीक है। एक्टिवा मुझे 70,000 का पड़ा है, टॉप मॉडल लिया था मैंने, और जो प्रेज है वो भी 70,000 का ही पड़ता है ऑन रोड। अब बात करते हैं इनकी एवरेज की, रेंज की। आप जानते हैं एक्टिवा 5G का जो इसका जो इंजन है 110 सीसी का आता है, वो मैं 250 रुपए में फुल हो जाता है मेरा, 3 लीटर उसमें तेल डलता है और तकरीबन 180 किलोमीटर चलता है, तो तकरीबन 1.5 रुपया पर किलोमीटर मुझे इसका प्राइस पड़ता है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1.5 रुपये का खर्च आता है। वही मैं बात करूं जो आपका ओकिनावा प्रेज है, वो सिंगल चार्जिंग में अगर हम बात करें 170-180 किलोमीटर चल रहा है, और एक चार्जिंग के दौरान उसने 6 यूनिट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, और 7 रुपए चल रहा है, 7.42, और इसको मगर कन्वर्ट करता हूं तकरीबन 20-22 पैसे का मुझे पर किलोमीटर मुझे इसका खर्चा पड़ता है। तो फिर भी बहुत दोस्तों बहुत फर्क है, 10-12 गुना का फर्क है, कहां 100 रुपए कहां 20 रुपए, 10 गुना फर्क है। ऊपर से दूसरी बात दोस्तों, जो हम घर में चार्ज करते हैं ये जल्दी हमें चुकता नहीं है, क्योंकि इसका बिल अलग से वो उसी में लग के आ जाता है, हमें अलग से नहीं पे करना होता, तो कहीं ना कहीं हमें ये एक तरह से फ्री का ही समझिए, हमें फ्री ही हमें पड़ रहा है सब कुछ। खर्चा कब आएगा, जब 3-4 साल बैटरी चेंज करनी, तब वो इकट्ठा दोबारा से खर्चा आएगा। पर दोस्तों याद रखिए 3-4 साल तक इनकी बैटरी की जो कॉस्ट है, जो आज लिथियम की हमें तकरीबन जो भी हमें 15-20 हजार रुपए पर किलोवाट जो कॉस्टिंग आ रही है, तब तक ये आई थिंक मैं समझता हूँ कि 10,000 से नीचे आ जाएगी आराम से, तो इतना घबराने की बात नहीं है। तो गो फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर, अगर हम सिर्फ बैटरी का प्राइस देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 साल तक बहुत प्राइस में फर्क पड़ने वाला, तो गो फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब और जो और पॉइंट्स उनकी बात करते हैं, जिसमें से नेक्स्ट निकल के आता हम, जैसे बताया कि इसकी इंजन 110 सीसी का, तो वहीं लिथियम सॉरी तो वहीं ओकिनावा प्रेज में जो बैटरी है 2.5 किलोवाट की लेड एसिड बैटरी आती है। टॉप स्पीड की बात करें, हमें एक्टिवा मेरा 100 आराम से आ जाता है, 100+ भी चला जाता है समटाइम्स, जब ज्यादा इसको मैं पूरा खींच के रखता हूं। वहीं जो ओकिनावा की जो टॉप स्पीड है वो 80-85 में इसको टॉप स्पीड मिल जाती है फुल चार्जिंग में टर्बो मोड में। इसमें 3 मोड है, इको, स्पोर्ट्स और टर्बो। टर्बो में 85 की इसमें स्पीड मिल जाती है, बट यहां हमें रेंज 180 नहीं मिल पाएगी, 150 के आसपास हमें रेंज मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी, अब इनके हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फीचर्स की, जो सेफ्टी फीचर्स है ब्रेकिंग का। दोस्तों एक बड़ा मुझे अच्छी खुशी होती है कि जो ओकिनावा प्रेज में ड्यूल डिस्क तो है ही है दोनों में, बट आगे वाले चक्कल में डबल डिस्क है, आगे वाले टायर में डबल डिस्क है, पीछे डिस्क है सिंगल, आगे डबल डिस्क है, जबकि 5G में इस तरह कोई ऑप्शन नहीं है, ड्रम ब्रेक्स मिलती है। एक इनका 125 सीसी का आता है, उसमें डिस्क आई थिंक है, ऑप्शंस है, बट वो बहुत उसकी कॉस्टिंग फिर 80,000 के आसपास चली जाती है। तो अगर आपने 80,000 वहां खर्चना तो गो फॉर आई प्रेज जो लिथियम आयन का है, वो भी 80 के आसपास मिल जाएगा, तो और ज्यादा बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं इनका जो शॉकर्स वगैरह है, इनमें आपको बिल्कुल दोस्तों हाइड्रोलिक शॉकर मिलेंगे, और डेक से डबल हाइड्रोलिक शॉकर है, जबकि इनमें वही ट्रेडिशनल जो चौकस पुराना शुरू से चल रहा है वही आज भी वही कॉपी पेस्ट वाला काम है इनके एक्टिवा वालों का, हमें वही मिल रहा है, ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है, सिंपल चौकर है बिल्कुल इनके।
और अदर फीचर्स, बड़े हाई एंड फीचर्स हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाते हैं, जैसे सेंटर लॉकिंग एक्टिवा में नो, एंटी थेफ्ट अलार्म एक्टिवा में नो, डे टाइम एलईडी लाइट्स, और एलईडी लाइट चलो आ गई है मिल जाती है, बट डे टाइम जो रनिंग लाइट होती है एक्टिवा में नो, अलॉय व्हील एल्यूमिनियम के फुल अलॉय व्हील एक्टिवा में नो, वो भी वो 125 सीसी वाले में है, उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगी। और लास्ट आ जाता है आपका फुल स्क्रीन एलईडी मॉनिटर, एक बड़ा अच्छा लुक, रिच लुक, और भी उसमें काफी ज्यादा फीचर्स रहते हैं उस पूरा ओवरऑल। एक्टिवा में ऐसा नहीं, आपको बेसिक कंसोल मिलता है, थोड़ा सा टॉप मॉडल में थोड़ा सा मुझे डिजिटल थोड़ा सा दिया हुआ उसने फॉर्मेलिटी के लिए। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन, इसमें क्लियर समझ आ रहा है कि कौन सा लेने में फायदा है। और लाइन लास्ट में एक बार फिर कह रहा हूं, गो फॉर लिथियम आयन, आई प्राइज लॉन्च हो गया है, प्राइस कंफर्म नहीं है बट मानता हूं 80,000 के आसपास होगी, बट दुखेगा नहीं, गो फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।